गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए से वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, हर महादेव। बजरंग इंसान में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। तो बने रहिए आज के एक नए से वीडियो में। मैंने सोचा कि संकल्प का मैं बता ही रहा हूँ तो एक और चीज़ बता ही देता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले एक मंत्र पढ़ा जाता है। एक मंत्र जो है हनुमान चालीसा के बुक में ही रहता है, उसके ऊपर चार लाइन का मंत्र रहता है, वो पढ़ना जरूरी रहता है। फर्स्ट दिन पढ़ना जरूरी रहता है। अगर फर्स्ट दिन है तो डेली पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही बार पढ़ना रहता है। जैसे 7 डेज का आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का स्टार्ट करने से पहले आपको वो लाइनें, वो चार लाइन का जो मंत्र है वो आपको पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट दिन वो पढ़ना है लेकिन 7 बार हनुमान चालीसा, तो 7 बार वो नहीं पढ़ना, बस 1 बार पढ़ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जय श्री राम बोल के हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करना है। और वही अगर आप सेम डेज में अगर वही पढ़ के आप 7 डेज करते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही बार पढ़ा था, लेकिन आप 7 दिन भी पढ़ सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले वो 4 लाइन का मंत्र जो है वो पढ़ना आपको ज़रूरी है। मैं उसका मंत्र का जो है मैं डाल दूंगा मैं अपने वीडियो में, वो आप मंत्र देख लीजिएगा, वो आप मंत्र लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप उस मंत्र को, और वो मंत्र पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन हनुमान चालीसा के बुक में ऊपर में रहता है अतुलित बलधामा करके रहता है, हेम शैल पुष्पम। हमको उतना मंत्र याद नहीं है, बहुत संस्कृत में मंत्र है, 4 लाइन का मंत्र है, लेकिन बहुत ही बड़ा मंत्र है। तो मैं स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा फोटो खींच के, और उसके बाद अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने हनुमान चालीसा का बुक में देखिएगा, हनुमान चालीसा के ऊपर में वो 4 लाइन का मंत्र लिखा रहता है, तो वो पढ़ना ज़रूरी रहता है। वो पढ़ना हनुमान चालीसा का जब संकल्प लीजिएगा, जब स्टार्ट कीजिएगा तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले वो आपको वो 4 लाइन का मंत्र है वो आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 7 बार नहीं पढ़ना, 1 बार पढ़ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है, जय श्री राम बोल के, और लास्ट में भी जय श्री राम जरूर बोलना है। यही 4 लाइन का जो लाल कलर से लिखा हुआ है मंत्र, यही है, आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होते, तो मैं सोचा कि इस कन्फ्यूजन को एक वीडियो में डाल के कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं और अच्छा सुंदर सा वीडियो में डाल देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। तो बस हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आपको वो 4 लाइन का वो मंत्र जो है वो पढ़ना है। तो बस इसी के लिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूँ ताकि लोगों का कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर से जरूर जय श्री राम लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं उसको हल करने का कोशिश जरूर करेंगे, ओके। और सब मिलकर बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा, ओके। और आगे बढ़ाइए, बजरंग इंसान को बहुत ही बड़ा बनाना है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।